हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स सीखेंगे जिससे कि आप अपने स्कोर को और भी बेटर कर सकते हैं। जो भी 10th और 12th में है, जिनका भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, उनके लिए टिप्स बहुत ही यूजफुल है, या उन लोगों के लिए भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बट स्पेशली उन लोगों के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो फर्स्ट एडवाइस ये है कि नेवर रीड योर क्वेश्चन पेपर। आप अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन आपको 15 मिनट्स मिलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के साथ, ये आप उसे पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, कंपलसरी नहीं है। तो इससे बेटर ये है कि आप अपना जो आपको सील्ड पेपर दिया होगा उसे ओपन ना करें। अब ऐसा क्यों? अगर आपको कोई 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता तो आप वहीं पैनिक कर जाएंगे और आप सोचने लग जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ब्ला ढंग पाना और चीटिंग करने की कोशिश करें, मे भी हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें ही ना, ताकि जब आप अपना क्वेश्चन पेपर खोलें तो आप पैनिक माइंड के साथ नहीं बल्कि काम माइंड के साथ अपना एग्ज़ाम दें। इससे क्या होगा, जितनी आपकी गलती क्वेश्चन पेपर में नहीं होनी थी वो हो जाएगी। तो इससे बढ़िया आप ना ही पढ़ें और अपना पेपर काम माइंड से दें। सेकेंड एडवाइस ये है कि सर्कल दोज क्वेश्चंस दैट आर नॉट अटेम्प्टेड बाय यू। ऐसा होता है, हम पेपर दे रहे होते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, जो जो होता रहता है उस पर टिक लगाते रहते हैं, और लास्ट के 15 मिनट्स में हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं जो हमने नहीं किए होते हैं। तो आपके कुछ सेकेंड्स तो आपको ये ढूंढने में लग जाएंगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें टिक नहीं है। तो इससे बेटर ये है कि आप जो क्वेश्चन छोड़ते हो उनमें सर्कल लगा दो, ताकि अगर आप जब लास्ट के 15 मिनट्स में दोबारा अपना क्वेश्चन पेपर चेक करें कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है, तो आपको आसानी से दिख जाए कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है। आपको इतने सारे टिक नहीं देखने पड़ेंगे, जस्ट आपको सर्कल देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं किया है। थर्ड एडवाइस ये है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी आप अपना पेपर करते हैं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से कीजिए। लोग कहते हैं कि अपना लास्ट से करिए जो मैक्सिमम मार्क्स का होता है, तो मेरा ये मानना है, आपका कुछ और भी हो सकता है, बट मेरे ओपिनियन में ये है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्यों? जब आप फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, सेकंड क्वेश्चन देन आपकी उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है, एक मोमेंटम, एक पेस बनता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं, आपका बढ़ता जा रहा है, आपका मोमेंटम पेस चलता रहा है, और फिर आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच कर आपने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो लोग लास्ट से करते हैं या स्टार्टिंग से करते हैं, उनको ये दिक्कत होती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप पढ़ने बैठे हैं, आपने जस्ट कॉपी खोली है और आप सबसे टफ क्वेश्चन लेके बैठ गए हैं, तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, होता है कि नहीं होता है? तो इससे बेटर ये है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन करिए, ताकि आपका माइंड भी प्रिपेयर होता रहे लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। नेक्स्ट एडवाइस ये है कि डोंट वेयर वॉच। अगर अलाउड है वॉच पहनना तो मत ही पहनो, उससे बढ़िया है। अब आप बोलोगे टाइम कैसे पता चलेगा कितना हो रहा है, आप टीचर से पूछ लो कि कितना टाइम बचा है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो, या फिर उतनी उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ाओ। अब ऐसा क्यों है, वॉच क्यों नहीं पहनना है, टीचर से ही पूछना है। वॉच पहनोगे आप, 10 बार वो वॉच देखोगे, 10 बार वॉच देखोगे अपने कुछ सेकंड्स बर्बाद करोगे, और उस कुछ सेकंड्स में आप एक क्वेश्चन तो कर ही लोगे एक नंबर वाला। इससे बढ़िया है कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें वॉच देखने में, और ऊपर से क्या होगा, फिर आपको माइंड भी पैनिक करेगा, अरे अभी तो 15 मिनट हो गए, इतना हो गया, अभी तो इतना टाइम था इतना हो गया, और फिर जो आपको आता भी होगा वो भी भूल जाओगे आप। तो इससे बढ़िया है कि आप वॉच पहनो ही मत। जब आपको लगे कि हाँ कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो अपने टीचर से पूछ लो, और वैसे भी टीचर बताती रहती है कि 1 घंटा बचा है कि आधा घंटा बचा है। नेक्स्ट एडवाइस ये है कि स्लीप अर्ली। अब स्लीप अर्ली, पेपर में सोएंगे थोड़ी, तो पेपर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक दिन पहले जब आपका एग्ज़ाम होता है, मान लो आपका एग्ज़ाम कल है, तो आज टाइम पे सो जाओ। अब टाइम पे क्यों सोना है, आप कुछ लोग 2-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, अगर आप लेट सोगे तो सुबह उसी हिसाब से उठोगे और आपका माइंड अच्छे से चलेगा नहीं, आप काम नहीं रहोगे जैसा आपको होना चाहिए। कभी लेट जागते हैं हम तो अगले दिन अजीब सा लगता है, आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो आपको रिलैक्स्ड माइंड से अपना पेपर देना है, और रिलैक्स्ड माइंड ही आप बेटर पेपर दिलवाएगा। अगर आप टाइम पे सो जाएंगे तो आप अगले दिन अपना पेपर उतने ही अच्छे से दे सकते हैं। हमारी बॉडी में सीरोटोनिन होता है, अगर ये कम हो जाए तो हम फील गुड नहीं करते हैं, फील गुड नहीं करेंगे तो पेपर में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट ये है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी टाइम जस्ट बहुत ही कम बचा है, 1 मंथ का बचा है, तो इसमें आप
ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग के चैप्टर से लेके बैठ गए हैं, बुक पूरी पढ़ रहे हैं। अगर वो आप पहले ही कर चुके होंगे, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है वो पूरा सॉल्व कर सकते हो, और मोस्टली आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, वो बेटर होगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप फालतू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 1% नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है आपके क्वेश्चन करने के लिए। तो इससे रिलेटेड एक और एडवाइस है कि डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। अगर आप बैठ गए हैं कि हमने पूरे साल नहीं पढ़ा और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो अगर चैप्टर 1 की वेटेज 2 मार्क्स है, तो आप उसमें 1 हफ्ता लगा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे बेटर ये है कि आपके जो डाउट्स हैं आप उनको सॉल्व करें और उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने से बढ़िया ये है कि आप उसका एक मान लो चैप्टर है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको किस क्वेश्चन में डाउट आता है वो देखें किस टॉपिक से रिलेटेड है, और उस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ें, तो बेनिफिट रहेगा। अगर आप पूरा चैप्टर लेके बैठ गए हैं और उस चैप्टर में से आने 2 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आप टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट एडवाइस है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अब ऐसा क्यों? जितना टेंशन लेंगे उतना दिमाग में टेंशन रहेगी, और वो अगले दिन जाके पेपर में। इससे बढ़िया ये है कि आप पॉजिटिव माइंड से अपना एग्ज़ाम दें। अगर आपका मूड थोड़ा सा भी ख़राब होगा वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करेगा फॉर श्योर। तो इससे बढ़िया है कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगला एडवाइस ये है, डोंट स्टडी ऑन द डे यू हैव एग्ज़ाम। उस दिन मत पढ़ो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है और आप सेंटर पे 8 बजे पहुंच गए और वहाँ बैठ के अपने आंसर्स देख रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, तो मत करो। आपको उतनी टेंशन होगी, ये नहीं आता फिर ये देखोगे, ये तुम जाता ही नहीं है, और आता भी है तो याद नहीं है। ऐसा करते करते जो आता भी होगा वो भी भूल जाओगे और कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और लास्ट थिंग जो आप करना चाहते होंगे वो करना चाहते होंगे कन्फ्यूज माइंड से पेपर देना। तो मत पढ़ो, और जो पढ़ रहा है उनसे भी दूर रहो, क्योंकि फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको नहीं आएगा तो आप भी वो क्वेश्चन पढ़ने लग जाओगे कि क्या है ये, और आपको आता भी होगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे कि ये तो मेरे को आता ही नहीं है, जबकि आपको आता भी हो। तो इससे बढ़िया ये है कि आप एग्ज़ाम से पहले मत पढ़ो। नेक्स्ट एडवाइस ये है, नेवर कंपेयर योर वे ऑफ स्टडिंग टू अदर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर इंसान अलग होता है। मेरा पढ़ने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपके फ्रेंड्स का अलग होगा। तो ये मत सोचो कि अगर आप कम आर्ट्स पढ़ रहे हो या फिर कोई आपसे ज़्यादा आर्ट्स पढ़ रहा है तो उससे आपके नंबर कम आएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हैं। तो नेवर कंपेयर योर वे ऑफ स्टडिंग टू अदर्स। आप किस स्टाइल से पढ़ते हो, अगर आपको दिन में पढ़ते हो तो दिन में ही पढ़ो, आपको रात को नहीं पढ़ा जाता तो मत पढ़ो, क्योंकि अगर रात को भी बैठ गए पढ़ने तो आपको तब भी आपके दिमाग में कुछ घुसना नहीं है। तो इससे बेटर यह है कि आप जिस तरीके से बेस्ट पढ़ सकते हो उस तरीके से पढ़ो। नेक्स्ट एडवाइस ये है, मेक योर बैग 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम कल है तो अपना बैग, अपना एडमिट कार्ड, अपना, खैर आजकल गता तो कोई नहीं ले जाता, अपने पेन पेंसिल, अगर मैथ्स का एग्जाम है तो कंपस वगैरह जो भी है, जो भी ले जाना है वो सब पहले से रखो, क्योंकि अगर जिस दिन जा रहे हो उस दिन बनाया और उसी दिन आपको कुछ नहीं मिला तो आपका दिमाग खराब होना है। फिर उसी दिमाग खराब से आप पेपर देने जाओगे और फिर आपका पेपर भी, चांसेस ये है कि आप कुछ चीज़ आपको याद हो और आपको वहाँ पे याद ना आए और फिर आप एग्जाम दे के बाहर निकले तब याद आए। तो काम माइंड सबको पेपर देना है। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट और आखिरी ये है, डोंट डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर विद फ्रेंड्स। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो सब डिस्कस करते हुए निकलते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आपका आंसर गलत है या सही है। मान लो सही है तो इट्स गुड, कुछ नहीं होने वाला कि अच्छा गया चलो। बट अगर आपका मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन 6 या 4 मार्क्स था, वो आपको पता चल रहा है कि आपका गलत आ रहा है, तो आपका मूड ख़राब हो जाना है कि पेपर गया बेकार। मान लो आपको 90+ लाने, आप 85 पे अटक गए, तो आपका मूड ख़राब हो जाना है। फिर वो आपको अगले पेपर में आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वो पेपर बेकार किया, आपका मूड ख़राब रहना है, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस ना करें, सीधा रिजल्ट के दिन वेट करें, क्योंकि फिर क्यों डिस्कस करना है। कभी कभी ऐसा होता है, इंटेलिजेंट जो लोग निकलते हैं बाहर पेपर डिस्कस करते हो कि ये ऐसा गया, ये मेरा आंसर ये आया, उनसे दूर ही रहो। हस्ती मजाक करते हुए आओ और हस्ती मजाक करते हुए जाओ, उससे क्या रहेगा, आपका माइंड काम रहेगा और आपको जो भी चीज़ उस वक्त याद रहनी चाहिए वो याद रहेंगी। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आप स्कोर कर सकते हो बेटर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये जितने भी टिप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम मोस्टली इनका ध्यान नहीं रखते हैं कि ये आपके दिमाग में आती ही नहीं है सब बातें,
क्योंकि हम इन बातों का ध्यान देते ही नहीं है। ये मैंने कहीं नेट से नहीं टेपी है, कि मैंने कहीं यूट्यूब से नहीं देखी है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने आपको कुछ एडवाइसेस दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठा के लिखी है, ये बिल्कुल एक स्टूडेंट के नजरिए से बनाई गई टिप्स है। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।